तो संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक भी की। इस बैठक में 100 दिनों के रोडमैप को लेकर चर्चा की गई और पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को शपथ लेते ही काम पर जुट जाने का मंत्र दिया है। बैठक के बाद जो संभावित मंत्री हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की गई, वो क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और का कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का, पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज़ गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूँगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं, बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। और अब मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश से 3 चेहरों को जगह मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, इसके अलावा सिंधिया और सावित्री ठाकुर, इन्हें भी फोन आ चुका है। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो तोखन साहू को फोन आ चुका है और ये देखना दिलचस्प होगा, पंच से लेकर किसान, साधारण किसान, साधारण किसान के बाद पंच और पंच से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर। तोखन साहू को भी फोन आ चुका है। तकरीबन 53% वोट उन्होंने बीजेपी के लिए लेकर आए हैं बिलासपुर से। शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड जीत में उनका नाम है, सिंधिया रिकॉर्ड जीत में उनका नाम है, सावित्री ठाकुर धार से दूसरी बार और छत्तीसगढ़ को जगह। अब तक तोखन साहू को फोन आने की बात निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश से 3 चेहरे, हालांकि पुराने जो चेहरे हैं वो भी नजर आए हैं। जो चाय पार्टी हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के 5 चेहरे नजर आए हैं, शिवराज, सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, दुर्गादास उइके, दुर्गादास उइके भी नजर आए हैं चाय पार्टी में। और मध्य प्रदेश में बंपर जीत का तोहफा अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 5 चेहरे शामिल हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान पीएम की बैठक में नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र खटीक ये नजर आए हैं। इसी का भी मैंने जिक्र किया कि आज ये 5 चेहरे नजर आए हैं। ये उसी चाय पार्टी के बाद जो बैठक हुई थी उसी की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें नजर आए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके, वीरेंद्र कुमार। तो इस चाय पार्टी में इन 5 चेहरों के दिखने के बाद यह माना जा रहा है कि ये लगभग तय है
तो मोटा मोटी एक स्थितियां जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मौका मिल सकता है। ये चूंकि पांच चेहरे नजर आए हैं, इस वजह से अब बात की जा रही है, इन सभी को लेकर की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, ये चाय पार्टी के जरिए ये कहा गया। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पांच चेहरे नजर आए हैं, क्या ये माना जाए कि अब सिर्फ ऐलान बाकी है या 7:15 बजे भी यही स्थितियां रहने वाली हैं? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी जो बैठक ले रहे थे आज भावी मंत्रिमंडल की, उसमें वीडियो में मध्यप्रदेश के भी पांच चेहरे सांसद नजर आए, और निश्चित ही जो नाम चल रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और उसके अलावा सावित्री ठाकुर, इन तीनों को फोन की पुष्टि हुई थी। लेकिन उसके बाद बड़ा अपडेट सामने आया है कि दुर्गादास उइके जो बैतूल से सांसद हैं, दो बार से लगातार नागपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ है बैतूल, आदिवासी चेहरा है बड़ा दुर्गादास उइके। और उसी तरह एक और जो चौंकाने वाला नाम आया है या जिसको लेकर माना जा रहा था कि वीरेन खटीक बाहर हो सकते हैं इस बार मंत्रिमंडल से, लेकिन उन पर फिर भरोसा जताया गया है, वो पिछले मंत्रिमंडल में भी शामिल थे, बड़ा दलित चेहरा है एमपी की राजनीति का वीरेन खटीक, और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की टीम में काम करते रहे, कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं रहे। तो निश्चित ही अब एमपी से पांच चेहरों को जगह मिलने जा रही है, ये तस्वीर लगभग साफ है, और कुछ ऐसी संभावना भी अब कम नजर आ रही कि कुछ नाम इसमें जोड़े जाएंगे या कुछ नाम घटेंगे। लेकिन ये सभी बड़े जो प्रमुख पांचों चेहरे हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी जब नए भावी मंत्रिमंडल को टिप्स दे रहे थे कि काम करना है, फील्ड में जाना है, और अब अच्छे से अच्छा काम हमें लगातार जारी रखना है विकास का, तो उस बैठक में भी ये सभी नजर आए। तो लगभग तस्वीर साफ है कि पांचों मंत्रिमंडल में आज शपथ लेंगे, और इनके अधिकृत पुष्टि भी इनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता या नेता वो कर रहे हैं, इन्होंने बधाइयां भी स्वीकार करना शुरू कर दिए। तो ये लगभग कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद ये सभी मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्गादास उइके का नाम भी और वीरेंद्र कुमार, जिनका नाम ये कहा जा रहा था कि इनका नाम हट सकता है, लिस्ट से हट सकते हैं, पर वो भी इस टी पार्टी में नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो सभी चेहरे नजर आए हैं, इसके अलावा ऐसा जो बड़े चेहरों में देखा जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते इस बार मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इस बैठक में भी नजर नहीं आए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे।